वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन एट A4 एक्वेरियम। आज हम A4 एक्वेरियम में है, जो मतलब अहमदाबाद के बहुत ही खूबसूरत शॉप है, जहाँ से आपको पेट के बारे में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलता है। तो चलो इसके बारे में आगे जानते हैं। A4 एक्वेरियम के ऑनर भाविन भाई से। कैसे हो भाविन भाई? बस बढ़िया कार्तिक भाई। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, कार्तिक भाई ने डिसाइड किया है और काफ़ी व्यूअर्स का भी था कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो रिसेंटली जो लाइफ के अंदर जो है, वो सभी का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपको जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसपेरेंट मिलने वाला है। और कोई भी पेट्स हो, कोई भी एक्वेरियम हो, कोई भी बर्ड्स हो, कैट हो, डॉग हो, आपके लिए जो आपके घर के लिए आप लेने वाले हो, इनसे पहले ये वीडियो श्योर देखिए, ताकि जो आपका जो मन का जो प्रॉब्लम है, वो हम लोग आपकी ओर से भी सॉल्यूशन देने वाले हैं। और कोई भी इश्यू ऐसा है जो आपके दिमाग से बाहर है, तो ये भी आपको यहाँ से पता चलने वाला है कि बिफोर पैट कोई भी बाय करने से पहले वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। भाई मैं पहला आपसे मेरे को मतलब एक ही सवाल करना है। जनरली आपके यहाँ पर तो बहुत सारे लाइक बायर्स आते हैं एंड होबीस्ट भी आते हैं, तो उन सबका मोटो क्या रहता है, मतलब उन्हें क्यों एक्वेरियम रखना होता है घर पे, या पैट कोई भी पैट रखना होता है? जो 90% लोग का एक कैटेगरी है, 10% होबीस्ट है। 90% जो लोग हैं जो एक्वेरियम बाय कर रहे हैं, वो तीन चीज़ों की वजह से करते हैं। फर्स्ट थिंग के काफ़ी लोगों ने अभी रिसेंटली मैं दिखा बताऊँ आपको, एक सॉल्यूशन है कि किसी ने अच्छा सा होम डेकोर किया है या कोई इंटीरियर से आपने करवाया है, तो उन लोगों का एक ऐसा व्यू होता है कि यहाँ पे आप एक्वेरियम सेट करते हो तो आपके घर के अंदर अच्छा है। ये फर्स्ट पॉइंट रहता है। वास्तु के हिसाब से आता है, इंटीरियर डिज़ाइनर वो उसको प्रीफर करवाते हैं, वो एक फर्स्ट पॉइंट रहता है। सेकंड थिंग, बगल वाले ने लिया है, अच्छा है, तो हम लोग लेके रखते हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। हाँ, उनको फ़ायदा हुआ है और हम लोगों को वही होता है, उसको फ़ायदा हुआ है तो हमें भी होगा, ये चीज़ होता है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से, फेंचू के हिसाब से भी देखने जाओगे, कोई भी पैट हो या बर्ड्स हो या फिश हो, XYZ आप लाते हो, उसको दो टाइम फीड करवाते हो, आपके लिए 100% बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि ये हमारा जो पैट्स है, वो हमसे कोई और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, वो सिर्फ फीड और टाइम, ये दो चीज़ ही एक्सपेक्ट करता है हमसे, जो हम लोगों को देना चाहिए। इसलिए फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड हुआ। थर्ड थिंग होता है, जो लोग बाय करते हैं एक्वेरियम, उसको एक ही चीज़ होता है कि हॉबीस्ट क्लास है वो। हॉबीस्ट क्लास को क्या रहता है, उसके ऊपर पूरा सा स्टडी कर लिया है, उसके बाद ही वो लोग बाय करते हैं। वो सबसे बेस्ट वे है, कोई भी चीज़ को बाय करने से पहले उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बाद रखो, और वो भी इस तरह, ताकि हम लोग जो पेट या एक्वेरियम या बर्ड्स कुछ भी लेके घर पे जा रहे हो, उसको हम लोग ज़्यादातर अच्छे से ट्रीट कर सके, पूरा टाइम दे सके, उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। तो ये तीन चीज़ है वो आपको कम से कम ध्यान रखनी चाहिए। और एक चीज़ हम आप डिस्क्राइब करते हैं कि एक्वेरियम क्यों लेना चाहिए। आप अगर एक्वेरियम नहीं ले सकते हो तो आप पेट्स में डॉग है, कैट है, वो क्यों ले सकते हो? डॉग, कैट, बर्ड, हाँ, तो यहाँ पर सारे सभी चीज़ आपको एग्जोस्टिक मिलेगा, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी में। मैं अच्छे प्राइस में नहीं बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंसर्न आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है एक्वेरियम पे। एक्वेरियम लेने से पहले आपको सबसे पहले ये दो चीज़ खास ध्यान में रखना है। सबसे पहला है, बट ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, बजट मोस्ट ओरिएंटेड रहता है इसके अंदर। आपका बजट प्रॉपर है तो आपको इस हिसाब से एक्वेरियम मिलने वाला है, आपका बजट लो है तो उस हिसाब से आपको एक्वेरियम मिलने वाला है। तो बजट सबसे पहला है। सेकेंड थिंग, आपके घर के अंदर जितना स्पेस है, आप कितना एक्वेरियम के लिए ऑक्यूपाई कर सकते हो, वो दो चीज़ पे आपको शॉपकीपर को देना पड़ेगा। उस हिसाब से वो आपको अकॉर्डिंग टू एक्वेरियम दिखाएगा, उस हिसाब से उसमें रहने वाली फ़िश का सिलेक्शन आपको करवाएगा, और उसके बाद आपका जो भी डाउट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी एक हॉबीस्ट है या एक कोई एक्वेरियम बायर है, उसका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि इसके अंदर कितना फिशिश आने वाला है। कोई भी बंदे ने ऐसा नहीं बोला है कि इसके अंदर कितना फिश सूटेबल है। सभी को काउंट पे ही होता है, नंबर ऑफ फिश पे इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि इसके अंदर मोर देन फिश डाल दे, या इसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ डाल दे, या सभी ये वाली जो फिश है, एक एग्जांपल के तौर के ओस्कार फिश है,
ये ज़्यादातर एग्रेसिव फिश में आता है, चितलीड फिश के साथ रह सकता है। तो आप अगर इसको गोल्ड फिश के साथ डालते हो, देखने में खूबसूरत है, एक्टिव भी आप देख सकते हो, हमारे यहाँ की सारी फिश एक्टिव होती है, कोई भी फिश हो, ये एग्रेसिव फिश है। इसको आप नॉन एग्रेसिव फिश के साथ डालते हो तो ये ओस्कार सारी गोल्ड फिश को डैमेज कर देगी, मार देगी और ख़त्म कर देगी। हाँ, दिखने में ऐसा लगे कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ये दोनों साथ में रखना है, हम लोग मना करते हैं ये नहीं रखना है, तो क्यों उन लोगों को ऐसा थिंकिंग होता है कि इसको ये साथ में नहीं देना है, ये इसकी वजह से काफ़ी बार कस्टमर एक्वेरियम बाय नहीं करते हैं। जो ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं, हाँ, वैरायटीज ऑफ फिशेस मतलब वो रखना चाहते हैं। सेकंड थिंग होता है कि फिश का भी खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, एक गोल्ड फिश है मैक्सिमम 6 इंच तक बढ़ने वाला है, जब तक ये ओस्कार है करीबन 12 से इंच के आसपास बढ़ने वाला है, तो उसको उस हिसाब से टैंक देना पड़ेगा, उस हिसाब से साइज़ देना पड़ेगा, उस हिसाब से उसका फूडिंग रहता है, उस हिसाब से उसका पानी का जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस रहता है, उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन रहता है, तो पूरा डिपेंड है फिश के ऊपर रहता है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखना है, जिसके साथ जो फिश सूटेबल है और नंबर ऑफ पीसीस आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कम से कम 3 या 5 पीसेस स्टार्ट करो, या 9 फिश मैक्सिमम 9 फिश से स्टार्ट करो। अगर आप उसके अंदर एक महीने के अंदर आप उसको प्रॉपरली केयर कर सकते हो, फीडिंग प्रॉपर दे सकते हो, उसका जो पानी चेंजेस करने का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाता है, उसके बाद आप नंबर ऑफ बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड है आपका टैंक के हिसाब से। पर आप पहले से ओवर क्राउड करोगे तो या तो आपका फिश मरने वाला है, सेकंड थिंग जो आपका है, जो आपका हॉबी है या जो भी शौक है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका मतलब अगर रखना नहीं है तो ज़्यादा फिश डैमेज होगा, और आपका फिश मरने के बाद आप लोग कुछ पैसे दो के किसी का लाइफ खरीद नहीं सकते हो। तो ये प्लीज़ एक ये चीज़ नोट करना है कि आप कोई भी चीज़ बाई करो, नंबर ऑफ क्वान्टिटी फिश का कम रखो, ओवर क्राउड कभी मत करो। सेकेंड थिंग आता है डेकोरेशन, सभी को अच्छा खूबसूरत देखने वाला डेकोरेशन ही पसंद आता है, हर किसी को सिंपल सोबर डेकोरेशन पसंद नहीं आता है, आप हो या मैं हो, पर फिश के कॉन्सेप्ट फिश के हिसाब से देखने जाओगे तो फिश को मोमेंट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। आप उसके अंदर टैंक के अंदर छोटा सा टैंक के अंदर फुल्ली डेकोरेट कर दोगे तो फिश का मोमेंट नहीं मिलने वाला है, तो उसका जो खाना है खाया लिया है वो हजम करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो नहीं रहेगा, तो ये आपकी फ़िश वैसे ही मरने वाली है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा, ओवर फूड हो जाएगा और वो फिश डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डेकोरेशन भी आप सिंपल सोबर करवाइए और उसके बाद आपका फिश का काउंट नंबर ऑफ कम करवाइए, और सबसे अच्छा आपको जो एक्सपेंस करना है फूड पैक कीजिए, जितना अच्छा क्वालिटी का फूड आप फिश को डाइट करवाते हो इतना उसका लाइफ 100% ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सारा फूड है सेम क्वालिटी का नहीं आता है, प्रोटीन कंटेंट सभी का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, और जो प्रोटीन कंटेंट पे फिश का कलर ग्रोथ और शाइनिंग वो सभी उस पर डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ आप जो भी फोकस करते हो 3 चीज़ पे कीजिए, फर्स्ट आपका टैंक का साइज, सेकंड नंबर ऑफ फिशेस, और थर्ड नंबर का आपका फिश फूड का क्वालिटी, ये 3 पे आप फोकस करोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, नंबर ऑफ ब्रांड्स अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी वैसी जा रहे हो कोई भी सिटी में हो, अगर आपको ये ब्रांड का बारे में मालूम नहीं है तो आप हमें श्योर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको तुरंत बता देंगे कि आपकी फ़िश के लिए सही है या नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई और शॉपकीपर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई और बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग सही है, मैं ऐसा कभी नहीं बोला, किसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो प्लीज़ आप नेगेटिव मत लीजिए, हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप हमसे बाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हम लोग आपको सही जितना मुझे मालूम है, जितना मेरा साल का एक्सपीरियंस है सारा निचोड़ के इस वीडियो हम उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, right. तो ये वीडियो उस पर है, जो भी एक्सपीरियंस है वो आप अपने ऑडियंस एंड व्यूअर्स को बताने वाले हैं, डेफिनेटली वो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी और हमारी गलती की वजह से किसी इंसान यानी पैट्स जो है हमारे घर के अंदर हम लोग ला रहे उसको हार्मफुल ना हो, उसका लाइफ ख़त्म ना हो जाए, और आपका हॉबी भी बरकरार रहे, और उसका भी एक हॉबी है फिश का भी, वो आपके वहाँ प्रॉपरली बढ़ते रहे। आपका हॉबी अगर सही नहीं रहा तो हमारा भी दुकान बंद होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सभी ने बंद कर दिया एक्वेरियम लेना बाय करना, तो ये हमको भी प्रॉब्लम है, तो ये भी एक चीज़ है, डेफिनेटली आपको ये इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो अच्छे से अच्छे एक्वेरियम फ्रेश वाटर में बाउल से लेके बड़े टैंक साइज जंबो साइज़ के, अगर पॉन्ड भी बनवाना चाह रहे हो तो ये हमारे से बनेगा। एक्वेरियम रिगार्डिंग फिल्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, टैंक का साइज डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट फिशेस रहेगा, डिफरेंट डेकोरेशन थीम भी सभी का डिफरेंट है, वो फिश पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ए फॉर एक्वेरियम की ओर से मिलने वाला है।
तो कभी भी आप नॉर्मल फिश बाय करते हो प्लांटेशन का यानी टेट्रा फिश बाय करते हो तो प्रीफर करो आप प्लांटेशन टाइप। पहले टेट्रा फिश मतलब कौन कौन सी फिश? टेट्रा फिश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिशेज में रहता है, देखो ये एम्बर टेट्रा है, इसका साइज इतना सा छोटा सा ही रहने वाला है, ये कभी भी लाइफ में बढ़ने वाला नहीं है, ये छोटा छोटा ही दिखने वाला टाइनी फिश है, ये प्लांटेशन के अंदर सबसे खूबसूरत रहने वाला है, लाइव एक्वेरियम है, लाइव प्लांटेशन है, नीचे सोइल डाया, ये अच्छा सा एक ड्रिफ्ट सेट किया हुआ है, हल्का सा उसके ऊपर लाइट भी आ रहा है, पीछे से उसका एंगोन फिल्टर दिया हुआ है। कुछ फिशेस है इसके अंदर आप देख सकते हो ग्लास पे चिपकी हुए, ये ऑटोसिंकलस फिश है, ये ग्लास को क्लीन करता है, अलगी जो है टैंक पे वो क्लीन करेगा, ये स्टोन पे भी बैठा है, कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइट बार। हाँ कुछ स्नेल भी है, ये भी ये सेम काम करते हैं, जो अनवांटेड जो स्नेल है उसको भी किल करने का काम करते हैं, एसेसियन स्नेल है, तो ये भी एक नेचर साइकिल है पूरा, सिर्फ फिश डाल देने से कुछ नहीं बनने वाला, उसका रिक्वायरमेंट, उसके बाद जो क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, ये सारा चीज़ यहाँ पे से आपको मिलता है। सिर्फ हम लोग सेल करके फ्री नहीं हो जाते, आपके पास जब तक एक्वेरियम है या कुछ भी पैट्स है तब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको केयर कैसे करना, उसका इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करना, वो सारे की। अगर आप एक एक्वेरियम लेके गए हो, कहीं से भी बाय किया है, कुछ भी कंसर्न लग रहा है तो हमारा दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कभी भी। प्लीज़ एक चीज़ का नोट रखिए कि कोई भी ब्रांड आप बाय करते हो वो थोड़ा सा शॉपकीपर से भी पूछ लीजिए कौन से ब्रांड है, अगर आपको प्रॉपरली समझ में आता है तो आपको भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें भी थोड़ा ईजी रहेगा, अगर आपको कुछ ब्रांड का मालूम नहीं है, साइज़ का मालूम नहीं है तो हमें भी, या आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसका यूज़ कैसे करना है और कितने फिश के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको इजीली आपको डिस्क्राइब कर सकेंगे, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या रहता है, मतलब कोई भी पहले पेट रखता है तो बेसिक प्रॉब्लम रहता है, सबसे पहले टाइम, आपने कुछ भी चीज़ ले रखी है, ला के रख दिया है घर के अंदर, आप अच्छे से शौक से या खुशी से लेके घर पे चले गए, अब आया दो टाइम उसको फूड करवाने के, एक्वेरियम के बारे में बात करते तो आपको टू टाइम फीड करवाना है जनरली, अगर आपका टाइम ज़्यादातर फिक्स नहीं होता है, सभी का फिक्स नहीं होता है, पर प्रोबेबली अगर आप कोई फिश को प्रॉपरली दो टाइम पे फीड करवाते हो फिक्स टाइम पे तो उसका लाइफ स्पान थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और आप रेगुलर जो फूड नहीं करवा रहे हो उसका भी लाइफ स्पान डिफरेंट रहता है, तो जितना रेगुलरिटी रखोगे फूड के अंदर वो फिश के लिए सही रहता है। अगर आपका जॉब ऐसा है या वर्कआउट ऐसा है तो आपका फिक्स टाइम नहीं है, अगर आपने आज डाल दिया कल से फिर वापस आपको प्रॉब्लम होने वाला है तो आप किसी और को दिखा के जाते हो कि आपको ये फिश को इतना फूड करवाना है, तो क्वांटिटी होता है जो फिश का फीड करवाने का वो मिसमैच हो जाता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या गलती से उसके बाद पंप बंद कर दिया है और वो गलती से पंप चालू करना बंद हो गया, गलती से बंद नहीं किया, चालू नहीं किया तो फिश सारा मर जाएगा आपका, वो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है, जो पर्सन जिम्मेदारी से एक्वेरियम लेके जाता है उसका ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए फीडिंग का। सेकंड थिंग रहता है टाइम पानी चेंज करने का, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में सब लोग बोल देते हैं हम लोग कर लेंगे, अगर 15-20 दिन में आपको एक ही बार उसको 50% पानी चेंज करना है, फिल्ट्रेशन वॉश करना है, इतना आपको करना ही है, अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो यहाँ से हम, अगर अहमदाबाद के अंदर है तो हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं अहमदाबाद के कोई भी एरिया में, तो एक क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है। डिपेंड है चार्जेस आपका टैंक का साइज़ और हमारा शॉप लोकेशन से आपका लोकेशन, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है, तो वही चीज़ का एक ध्यान रखना है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम होता है फीडिंग का और क्लीनिंग का। अगर बर्ड्स का है तो बर्ड्स में ज़्यादातर लोगों का, अगर आप फिश ने रख दिया है और कहीं पे आप वीकेंड में बाहर चले जाना है तो हॉलीडे फूड आता है 7 डेज़ के लिए आप डाल के चले जाते हो जाता है, पर बर्ड्स और डॉग्स ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप कोई भी छुट्टी का माहौल है, दिवाली का टाइम है, आपने भी बाइक करके रखा है, शॉपकीपर वो भी कहीं पे बाहर घूमने जा रहा है तो आप इसको रखोगे कहाँ पे? डॉग को हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा, एज वेल बर्ड्स का हॉस्टल अहमदाबाद में कहीं पे भी मैंने नहीं सुना है, पर हम लोग ये फैसिलिटी देते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पैड्स है, हम एक बंदे को ऑक्यूपाई करके ही जाते हैं कोई भी सीजन हो कोई भी टाइम के अंदर, पेड होता है हॉस्टल चार कंपलसरी पेड होता है। पर कार्तिक भाई ने जैसे बताया प्रॉब्लम की बात कहाँ आती है, वो चार्जेस की बात आती है,
एक डॉग हो हमारे पास या 15 डॉग हो, वो प्रॉब्लम इस तरह का है, सभी को इक्वल टाइम देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ कर दिया काम ख़त्म, नहीं होता है। सभी पे प्रॉपर हमको भी ध्यान वॉच रखना पड़ता है, तो उस टाइम पे उसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ये प्रॉब्लम में आता है। कस्टमर का जो साइज से प्रॉब्लम ये होता है कि प्राइस ज़्यादा है, ये इतने है वो। फिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं पे बाहर जाते हो तो आपको उसको ऑक्सीजन लाइट वगैरह चालू रख के जाना पड़ता है। अगर कभी लाइट चली गई या कुछ अगर कोई नहीं हुआ घर पे, तो ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हादसा भी बन सकता है। प्रॉब्लम नहीं, हादसा ही हो जाएगा ये चीज़ पे। और अगर हमारे ऑब्जर्वेशन में रहा, आप यहाँ पे फिश छोड़ के जाते हो, तो हम लोग इतना तो कर सकते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम आधे घंटे या घंटे में एक बार वॉच कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ। बर्ड्स है, उसका भी प्रॉपर केयरिंग होता है, दिन के अंदर 3 टाइम उसका वाटर चेंजेस होता है, 2 टाइम उसको डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोवाइड किया जाता है, सीड्स तो होता ही, उसके अलावा सॉफ्ट फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारी ओर से बेसिक से लेके स्टैंडर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक ही जो प्लेस है यहाँ पे फुलफिलमेंट हो जाता है, वो एफोर एक्वेरियम के अंदर से हो जाता है। और अभी जो कोई भी अगर आपके यहाँ पर कोई भी पेट के लिए आता है, तो मतलब वो डायरेक्टली आप उनको दे देते हो या कैसे दे देते हो? देखो, हम लोग तो पहले इसको बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अगर एक्वेरियम लेने आया है कोई भी बंदा, तो उसको पहले बता दे कि आप कितना टाइम दे सकते हो, उस हिसाब से एक्वेरियम उसको अगर कम से कम टाइम दे तो उस हिसाब से फिश उसको देते हैं। कि हार्ड फिश है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करती है, कुछ फिशेस है गोरामी है शार्क है बिट्टा है, तो उस हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं फिश, और उसका जो टैंक का आइडली साइज़ है वो उस हिसाब से देते हैं। अगर कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियम हम लोग नहीं कर पाए, या घर में ज़्यादातर छोटे लड़के वो कुछ और डाल देंगे, खाना वगैरह और हो जाएगा, गेस्ट ज़्यादा आते हैं प्रॉब्लम है, तो हम उसको बर्ड्स या डॉग पे प्रीफर करवाते हैं। डॉग में भी हम लोग उसको कंसर्न करते हैं कि अगर आपका टेनामेंट है या फ्लैट है, उस हिसाब से डॉग सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद उसको 2 टाइम आपको वो वॉक के लिए लेके जाना है, पोटी वगैरह जो उसका जो टाइम शेड्यूल है वो फिक्स करना रहता है, तो उसी हिसाब से उसको डॉग प्रीफर करवाते हैं। कौन सी ब्रीड आपको रखनी है, कौन सी ब्रीड घर के लिए है, कौन सी ब्रीड फार्म के लिए, कौन सी ब्रीड फैक्ट्री के लिए, उस हिसाब से सजेस्ट होता है। और बर्ड्स घर के अंदर कितने किड्स हैं और कितना टाइम आप दे सकते हो, अगर आप फ्री रखना चाहते हो तो हम लोग उसको हैंड टेम बर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, और केज के अंदर रखना है तो छोटे स्पीसीज या वाइल्ड बर्ड उसको प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा हम एक कस्टमर से ओपिनियन ले लेते हैं वो क्या कर सकता है, उस हिसाब से उसको यहाँ पे से पूरा चीज़ दिया जाता है। डायरेक्टली हम किसी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी केस के अंदर ऐसा आज तक हम लोगों ने नहीं किया है। हमारा मोटिव ओनली सेल करना नहीं है, जो भी पेट्स हमारे से लेके जाता है वो हैप्पी रहना चाहिए, वो भी हम लोग देख के ही आप किसी को देते हैं। राइट। और आपके यहाँ पर टोटली कितने तरह की स्पीसीज, वैसे आप तो फ्लावर ओनली में मास्टर हो, बिट्टा में भी आप मास्टर हो, टेट्रा में भी मास्टर हो, ऑलमोस्ट एक्वेरियम में तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, बट एक्वेरियम के अंदर फिशेज में भी आप कितनी स्पीसीज रखते होंगे? मोर देन 100 वेराइटीज़ के आसपास हमारे पास स्पीसीज ऑल टाइम रहता है, डेफिनेटली रहता है। और अभी अपने यहाँ पर कितनी स्पीसीज अवेलेबल है? उसमें से ऑलमोस्ट 40% ही अभी अवेलेबल में, 40%। बाकी का जो स्टॉक आ रहा है वो करीबन 3 to 4 डेज के अंदर आ रहा है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट था उनसे ज़्यादा माल अभी रिसेंटली सेल हो चुका था, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अभी इतना कस्टमर का क्लास रहेगा। और वेदर भी हम लोग मेंटेन करके देखते हैं, क्योंकि मॉनसून के अंदर फिश को फंगस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, आपको हीटर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई सिचुएशन के अंदर बिजली चले जाने का भी प्रॉब्लम रहता है, मॉनसून के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टॉक किया हुआ होता है। पर हमारे पास जो बेसिक से प्रीमियम वैरायटी तो अभी अवेलेबल है ही। फ्लावर ऑन आप जो अभी देख सकते हो, इसमें SRD है, मैग्मा भी है, काम्फा हमारा सोल्ड हो चुका है, इसमें बेबी से लेके बड़ी साइज तक के सारे फ्लावर ऑन अवेलेबल में रहते हैं, और वो भी प्रॉपर हेड पॉप के साथ कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और भावन भाई, मैंने ज़्यादातर आपके यहाँ पर देखा है, मतलब आप वाइल्ड में तो वर्क करते हो बर्ड्स में, बट आपके यहाँ पर हैंड टेम जो रहते हैं बर्ड, उसकी तो खूबसूरती और ही मतलब कुछ अलग लेवल पे ही है। वही के अंदर वो जो रहते हैं फाल्कन वगैरह जो उन लोगों को ट्रेन करके रखते हैं, जैसे बुलाते आ जाते हैं,
आपके यहाँ पर भी हैंड टेम में ऐसी वेरायटी हर बार आती है? उसका एक ही रीज़न है कार्तिक भाई कि पहले क्या था, हम लोग जब भी नया फील्ड में आए थे हम लोगों ने सेल करने के पर्पज़ से बर्ड्स लिए कि हम लोग कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको देना अभी है। मैं देख रहा हूँ कि ये अपने आपके पास कोकाटेल अभी लास्ट वन पीस ही बचा हुआ है। मैं जब दो दिन पहले आया था आपके पास देते 10 पीस थे। हाँ, उसमें मतलब से अच्छी विसल भी बजा लेते हैं, अच्छा मतलब कोकटेल भी है। हाँ, कोकटेल ऐसा बर्ड है, मेरा टाइमनेस फुल है, सेकेंड थिंग विद DNA है, और कॉकटेल बर्ड्स विस्लिंग करता है, प्लस आपका रिंगटोन को कॉपी कर सकता है, आपका डोरबेल को कॉपी कर सकता है, विथ डांसिंग भी करता है, और ये पूरा आपकी पूरी एक्टिविटी को नोटिस करता है, तो उस हिसाब से वो कॉपी करके कुछ नाम भी बोल सकता है। अच्छा पेट है। और सेकंड थिंग, अगर आपको घर के अंदर फ्री फ्लाइंग बर्ड रखना है, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है हमको एक पिंजरे के अंदर बर्ड्स को नहीं रखना है, और काफ़ी लोग ये गलती भी करते हैं कि कहीं से बर्ड्स लेके आते हैं, और कुछ जैसे बोलते हैं ना जीव दया, ये वर्ड्स को डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए इस वीडियो के अंदर, पर आप वो बर्ड के बारे में जानते नहीं हो। जैसे कि किस रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ था, एक कपल आया था, उन लोगों ने केज के अंदर बर्ड्स बाय किया था कहीं और से, और हमारे पास फूड लेने आए थे, और उसको शायद वो क्वालिटी का फूड नहीं मिला होगा, तो फूड लेके गए, एक वीक बाद उन लोगों का आया था हमें कॉल के हमारे पास एक केज पड़ा है वो आप ले लोगे। मैंने बोला आपके पास बर्ड थे कहाँ गए सैम? बोला कि मेरी डॉटर का बर्थडे था, हम लोगों ने उसको फ्री कर दिया है सैम, पर उसकी वो गलती, वो सारे बर्ड्स मर गए होंगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो परिंदे हैं, जो एग्जोस्टिक बर्ड है, इसको कौवा भी मार सकता है, अपना लोकल कोई भी बर्ड्स उसको मार देगा, क्योंकि ये कलर अट्रैक्शन की वजह से उसको सारे बर्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको ख़त्म कर देंगे, और उसका जो फूड नेचर है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो उसको मार्केट में कहीं मिलने वाला नहीं है, तो विदाउट फूड विदाउट वाटर उसको वो आइडिया नहीं होता है, और उसको कैसे ढूंढना है। हाँ, वो भी नहीं कर पाएगा तो वो वैसे ही मरने वाला है, तो प्लीज़ ये गलती आप कभी भी मत कीजिए। आप किसी को डोनेट कर सकते हो अगर आपको नहीं रखना है, और जो चीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है वो गलती तो आपको कभी भी नहीं करना है, कोई शॉपकीपर को हैंड ओवर कर दो। काफ़ी सारी संस्था है जो चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, उसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे, पर ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको फ्री फ्लाइंग करना है तो इंडियन जो पीसीस है या डक है या अपना कबूतर है उसको बाय करो, उसको उड़ा दो, वो चीज़ इंडियन नेचर वाला है, वो कहीं से भी खाना ढूंढ लेगा, पीना ढूंढ लेगा, वो सर्वाइव कर लेगा, पर ये जो एग्जोस्टिक बर्ड है उसके साथ ही कभी गलती मत कीजिएगा आप, क्योंकि उसका जो हैबिट है वो हमसे रिलेटेड है, हमारे साथ उसका अटैचमेंट है, वो आपको नहीं देखेगा तो सुन हो जाता है। बर्ड्स में ये भी होता है, आप काफ़ी टाइम से कोई बर्ड्स या डॉग को रखते हो तो आपने कभी नोटिस किया हुआ कि आप बाहर चले जाते हो, जैसे आते हो तो आपको इतना हग करेगा, इतना लव आपके सर जताना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको भी पता है इतने दिन हम लोग बिछड़े हुए थे, ये बर्ड्स को ये नोटिस करना आता है, बाहर के बर्ड्स की तरह हमारे बर्ड्स की तरह नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसके अटैचमेंट और इमोशन के साथ कभी भी मत खेलिए, आपकी एक गलती उसकी लाइफ के लिए भारी हो सकती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर एक चीज़ और है, मार्केट के अंदर टैम बर्ड का प्राइस ज़्यादा क्यों होता है, काफ़ी लोगों का ये भी कंसर्न होता है, क्योंकि टैम बर्ड्स इसे बना जाता है कि जैसे कोई चिक्स हो, अंडे में से बच्चा बाहर हुआ आया है, उसको कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए उसको मदर फादर फीडिंग करवाते हैं, उसके बाद जो बर्ड्स है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, उसके साथ हैंड फीडिंग फॉर्मूला जो वन टाइप ऑफ सेरेलेक बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, उससे दिन के अंदर 4 बार उसको फीड करवाना रहता है, वैसा ये जो प्रोसेस है करीबन 1.5 से 2 महीने तक ही चलती है, तो वो जो टाइम वो जो फूड उसके हिसाब से वो बर्ड्स आपके हैंड पे बैठना स्टार्ट कर देगा, आपको काटेगा नहीं, आपसे वो ज़्यादा दूर नहीं भागेगा, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है, तो टैम बर्ड का प्राइस इसलिए ज़्यादा होता है जो वाइल्ड बर्ड की कंपैरिजन में ज़्यादातर होता है। टैम बर्ड को मैटिंग करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो मैट करने के लिए नहीं बने हुए होते, और मैटिंग करवाते हो आप किसी बर्ड को तो वो ज़्यादा टैम नहीं रहता है, ये भी फिक्स है, तो 2 कन्फ्यूज़न आपका इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो एक चीज़ और बता दूँ बर्ड्स के बारे में, आप कोई भी बर्ड्स एग्जोस्टिक बर्ड्स बाय करते हो, बजीज है, लव बर्ड है, कॉकटेल है, कनूर है, सन कनूर है, फिर अफ्रीकन ग्रे तक का कोई भी बर्ड हो, उसका फीडिंग चार्ट आपको फॉलो करना रहेगा, उसको आपको सॉफ्ट फूड का डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको उसको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और स्प्राउट्स है,
वो आपको दिन में एक टाइम तो प्रोवाइड करना है, उसके अलावा आप सीड्स प्रोवाइड करो, पर दिन के अंदर ये चीज़ एक दिन के अंदर उसको रिक्वायर्ड रहता है, ताकि बर्ड्स का शाइनिंग फेदर का जो लेंथ कलर और उसका बॉडी ग्रोथ स्ट्रक्चर वो प्रॉपर रहता है। मैं कभी भी आपको हाई प्रोटीन फूड, हाई न्यूट्रिएंट फूड और जो लिक्विड है ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स लिमिट में देना है। हम लोग कोई ब्रीडर नहीं है और हम उसको ज़्यादा चिक्स नहीं निकालने, ज़्यादा अंडे ले नहीं करवाने हैं। हमारा बर्ड से जितना हेल्दी रहे, वन टाइप ऑफ इजी लैंग्वेज में आपको समझाने जाऊँ कि हम लोग जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद स्टीरोइड के इंजेक्शन के दे के मसल्स बना रहे हैं, ये अगर आप बर्ड्स के साथ कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए। बर्ड्स का लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो एक चीज़ वो है ओवर डोजिंग। ज़्यादातर क्या भी लोगों का ऐसा होता है, वीडियोस कहीं से देख लिया, हम लोगों ने मल्टीविटामिन इतने डाल दिए, लीवर टॉनिक इतना करवा दिया है, वो बंदे ने 10 ml नहीं है फिर भी करवा। हाँ, आप प्रॉपर उसको फूड डाइट रखो, नेचुरल रहेगा, बर्ड्स का लाइफ भी रहेगा और प्रॉपर रहेगा। और एक आपके यहाँ पर एक खूबसूरत टैंक है, थोड़ा इसके बारे में बताओगे कि इसके अंदर आपने क्या क्या रखा हुआ है? उसके अंदर हमारा ड्रॉप गोरामी है जो एक ब्लू कलर वाला है। मे बी ये टैंक अंदर डेवलपमेंट है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टैंक का सेटअप कैसा रहता है यहाँ पर, अगर आपको प्लांटेड एक्वेरियम में जाना है। बट इनके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ड्रॉप गोरामी डाली हुई है, डेनासोनी है, और ये जो लाइनिंग वाली है डेनासोनी बार बोलते हैं इसको, काफ़ी खूबसूरत है। मिस केरला भी उसका नाम है, केरला में पाई जाती है फिशेस है, और रेयर फिश में अभी है, और लास्ट में जो दिख रहा है एशियाटिक फिश है, वो भी एग्जोस्टिक फिश में आती है, आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत होती है फिश, शाही है, डिस्कस, टेट्रा, वो सभी के साथ आप रख सकते हो, और रेगुलर फिशेज के साथ नॉन एग्रेसिव जो फिश है उसके साथ आप उसको रख सकते हो। और ये टैंक, ये जो सेटअप है इसमें क्या क्या आपने रखा हुआ है? ये पूरा रॉक सेटअप है, लावा रॉक किया हुआ है। ये जो पेबल्स है इसके अंदर है, जो रिवर स्टोन है, नेचुरली है, ये भी नेचुरल है, रॉक भी नेचुरल है। और कुछ प्लांट जो विदाउट सब्सट्रेट सोइल के अंदर होता है, वो जावा फन है, वो हम लोगों ने डाला है, वो भी लाइव प्लांट है। सेगिटेरिया का प्लांट भी लाइव है। तो लाइव प्लांट से दो बेनिफिट होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है और फिश का जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको बैलेंस बनाने के अंदर लाइव प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स बजाता है, क्योंकि नाइट्रेट को खींच लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खींच लेता है। ऐसा नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियल भी करते हैं कुछ, थोड़ा सा वो भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा टैंक के अंदर सिंपल सा डेकोरेशन है। हम लोग नेचुरल टैंक के अलावा आर्टिफिशियल टैंक भी डेकोरेट करते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ इसके अंदर यूज़ होता है, जो हम लोगों ने अभी शोपीस रखा है, कार्तिक भाई का रखा है, वो आर्टिफिशियल है। वो एक बाइसिकल के साथ खड़े हुए हैं, काफ़ी सारी खूबसूरत जलपरियाँ उसके साथ में घूम रही है। परफेक्ट गोल्डफिश टैंक है, आप देख सकते हो। उसमें हम लोगों ने ज़्यादा डेकोर नहीं किया हुआ, क्या कि फ़िश प्रॉपरली मूवमेंट कर सके। ऑक्सीजन का फ्री फ्लो आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है, फिश प्रॉपर मूवमेंट भी कर सकती है और फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर है, टैंक एकदम ऐसा क्लीन है। तो फिश का साइज़ और फिल्ट्रेशन का साइज़ और टैंक का साइज़, ये तीनों चीज़ इसके अंदर मैटर करता है। और इसके अंदर कौन सी फिशेज है अभी? इसके अंदर रेंचू लाइनेड और ए रुकिंग, ये दो फिश है। ये जो वाला है रेंचू है, जो ऊपर में सेंटर टेल नहीं होता, इसके अंदर सेंटर टेल होता है, वो बफेलो की तरह। एक आपने ग्रीन टेल का भी थोड़ा अच्छा टैंक बनाया हुआ है। हाँ, ग्रीन टेल भी आप तो बहुत सारे टैंक्स बनाते हो, इवन 3D एक्वेरियम भी बनाते हो। ये हमारा चिकलेट का ग्रीन टेरर जो फिश है उसका टैंक है, एग्रेसिव फिश में आती है। आप पैरोट, ओस्कार, वो सब के साथ रख सकते हैं उसको। ज़्यादातर उसका जो शाइनिंग रहता है पूरा येलो टेल हो जाता है, फेस पूरा ब्लू साइड में आ जाता है, आप देख सकते हैं। उसका मार्किंग खूबसूरत रहता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत रहता है मार्किंग। चिकलेट फिश का रखने का बेनिफिट एक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसका, ये पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पोटी फॉर्मेट रहता है ना, वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो ताकि इजीली आप फिल्टर उसको खींच सकता है और पानी के अंदर ज़्यादा डिजोल्व भी नहीं होता है, प्रॉपरली आप उसको क्लीन कर सकते हो। लंबे टाइम के लिए अगर आपको रखना है, ज़्यादा केयरिंग लेवल नहीं दे सकते उसको, तो ये चिकलेट फिश आपके लिए सूटेबल है, आपके घर के लिए भी और टैंक के लिए भी। और उसके बाद आता है, अगर आपको, काफ़ी लोगों को कलरफुल फिश रखना होता है, क्वांटिटी में रखना होता है, टैंक के अच्छा हो,
अच्छा दिखना चाहिए। तो एक ग्लोविडो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिश में मानी जाती है। उसके अंदर 5 कलर्स आते हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लू और ग्रीन जो फ्लोरोसेंट है, आप ये रख सकते हो। छोटी ने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लाइक फिश का लुक ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास रहता है कोई फिश, जो ज़्यादातर पॉन्ड फिश में आई जाती है, मानी जाती है। इसका साइज लेंथ बढ़ने वाला है, 2 फीट तक उसका साइज और लेंथ बढ़ता है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई ऐसा फिश चाहिए तो आप ये रख सकते हो। ये फिश को साइज़ बढ़ता है, कलर वेरिएशन भी इसको अंदर मिलते हैं। इसमें काफ़ी सारी मिल्की कुई आती है, जो वाइट कलर का है, मिल्की कुई बोलते हैं। ये रेगुलर ऑर्डिनरी कुई है। इसमें हमारे पास जापनीज कुई के भी बेबीज है, ये जापनीज है। हाँ, उसमें बड़ी साइज़ भी आप देख सकते हो, इजीली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। स्केललेस कुई, जापनीज कुई भी ये है, आप इसको भी रख सकते हो अपने टैंक या पॉन्ड के लिए, ज़्यादातर सूटेबल रहेगा। ये जैपनीज है, लोकल है, मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं जैपनीज, बट उसका लुक में कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? रेगुलर कुई होता है, उसका जो कलर शेडिंग है येलो और ऑरेंज, दो ही कलर में ज़्यादातर पाई जाती है। और जैपनीज कुई होता है, उसमें रेड ब्लैक टोन डिफरेंट रहता है। उसका जो स्केल है वो काफ़ी टाइम के बाद ये स्केल पूरे निकल जाएंगे, कुछ भी स्केल नहीं रहेगा, पूरा इस तरह का स्केललेस हो जाएगा ये फिश। उसका जो शाइनिंग है आप ऊपर से भी देखते हो, बॉटम टॉप ऑफ द टैंक, तो भी इतना खूबसूरत रहने वाला है। और वो जो रेगुलर कुई है उसमें इतना उसका जो प्रीटी लुक है वो नहीं आएगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलने का। तो ये चीज़ वो जापनीज़ और लोकल कुई के अंदर डिफरेंट रहता है। अगर किसी को पॉन्ड वगैरह में डालनी है तो उसको जापनीज़ ही बाय करना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने रिसेंटली अभी पॉन्ड बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारी कुई पीस डाली हुई है। उसके अंदर हमने कुबाटो कुई डाली है, जो ऑरेंज और ब्लैक शेडिंग में दिख रही है, मिल्की कुई है, जापनीज कुई है। अगर आपका पॉन्ड है तो इस तरह आप उसको डाल सकते हो। ये जो कलेक्शन है, चिकलेट फिश है, ज्वेल चिकलेट बोलते हैं, बनाना एक पीस इसके अंदर है और ज्वेल है। ये सेमी एग्रेसिव फिश में आई जाती है। ये अगर चिकलेट के अंदर ईजिली ब्रीड करवाना है तो ये फिश सबसे बेस्ट है। हाँ, ईजीली आपके अंदर कोई केयरिंग नहीं, एक छोटा सा मटका या स्टोन रख दो, उसके ऊपर एग ले करती है और उसके बच्चे भी होते हैं, फर्टाइल भी होता है। और आपको ये पैरिंग को सेपरेट रखना है, यहाँ से ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप मेल फीमेल कौन से है, वो भी आपको यहाँ से पूरा डिस्क्राइब दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। राइट भावन भाई, और आपके पास तो एंजल फिश की बहुत सारी वेराइटीज आती रहती है, मोनो एंजल्स है, इन रेगुलर एंजल्स एंड और कौन सी रहती है? जो एंजल के अंदर सबसे बेस्ट लोग बेसिक से स्टार्ट करते हो तो ब्लैक कलर और वाइट कलर, सबके अंदर दिमाग के अंदर दो ही चीज़ रहता है, ब्लैक वाला एंजल था हमारे पास या वाइट वाला था। तो वाइट में प्योर वाइट के अंदर मार्बल एंजल आता है, ब्लैक के अंदर मैश एंजल आता है, जेड ब्लैक एंजल आता है, उसके ऊपर आते हैं तो ब्लू कलर में एंजल आता है। उसके बाद हमारे पास आता है उसके अंदर कुई हेड एंजल, जो उसका जो फेस है वो रेड की तरह होता है, उसमें सिर्फ फेस पे ही रेड ज़्यादातर शाइनिंग रहता है। उसके बाद आता है रेड डेविल एंजल आता है, मैककलम एंजल आता है हमारे पास। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं रखा है फिर भी ये टैंक बहुत ही खूबसूरत, ये बल्गरी वो भी सब जबरदस्त लुक देती है एंजल में, ब्लू एंजल। और इसमें डिफरेंट ये रहता है, ब्लू के अंदर स्ट्रिपिंग पूरा लाइनिंग रहता है, उसके अंदर हाफ में ही रहता है पूरा ब्लैक और शाइनिंग डिफरेंट। ये वाला देख सकते हो, पीछे थोड़ा सा छुप रही है, फ्रंट में आई ये वाली। तो एंजल भी खूबसूरत है ये फिश, अगर आपको कम पानी गंदा करने वाली और लो मेंटेनेंस प्लांटेशन एज वेल एज फ्रेश वाटर रेगुलर टैंक के अंदर आप इसको डाल सकते हो। उसके साथ कंपेटेबल काफ़ी सारी फिशेज है, आप रख सकते हो, सिल्वर सार्क है, डाइनासोनी है, गोरामी में ड्रॉप गोरामी, रेड लिली गोरामी, ये सब रख सकते हो। ऐसी फिश रखो जो फीडिंग लेवल सेम है, नॉन एग्रेसिव, जो उसका जो बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए ताकि फूड में प्रॉब्लम ना आए। अगर एंजल का मुंह छोटा रहता है, उसको आप गोल्डफिश के साथ रखते हो तो गोल्डफिश फटाक से खाना खा लेती है, बड़े पैलेट गोल्डफिश खा सकते हैं, एंजल नहीं खा सकती है, तो उस हिसाब से आपको फिश को रखना होता है। एक्वेरियम में सबसे खूबसूरत दिखने वाली फिश में जो मानी जाती है, फ्रेश वाटर में नंबर वन पे आती है, वो एक ही फिश है, वो डिस्कस, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सेट है, आप देख सकते हो।
इतना खूबसूरत डिस्कस अगर कोई भी देखे तो उसको जी ललचा जाए कि हमें भी इसको रखना है। नो डाउट आप रख सकते हो प्रॉपर केयरिंग के साथ। गाइड हम प्रोवाइड करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना, पर इतना भी नहीं जितना मार्केट के अंदर सब लोग बता रहे हैं। हम लोग भी काफ़ी टाइम से रख रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और हमारे कस्टमर का वीडियोस भी इसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे प्लांटेशन के अंदर कितनी सारी वेराइटी के साथ ये डिस्कस भी रखा है। तो प्रॉपरली है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो ताकि मुझे ज़्यादा आपको दिखाने की बोलने की ज़रूरत नहीं है किस तरह डिस्कस ईजी रह सकता है आपके साथ। और आपके पास में ये चिकलेट की भी बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर हुआ करती थी, बट अभी थोड़ी सी कम है। चिकलेट में काफ़ी सारी कम वेराइटीज अभी है, पर रिसेंटली दो से तीन, जैसे आपने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, मतलब दो दिन के बाद आपका स्टॉक जो पूरा तो वो पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा, हमारे पास शायद कम टैंक पड़ने लगेगी क्योंकि बाहर इतना सारा वेराइटीज अभी आने वाला है। चिकलेट के अंदर मोनो एंजल है, मोनो सेबी एंजल है, हमारे पास अभी नहीं है, जाएगी होलसेल में भी सेल करते हो। होलसेल का मतलब एक होता है, काफ़ी लोगों ने गलत समझ लिया है। हम लोग का कॉल आते हैं कि आप लोग होलसेल करते हो, हम लोग बोले हाँ, दो पीस चाहिए, दो पीस के लिए होलसेल नहीं होता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा ये भी होलसेल उन लोगों के लिए होता है कि जिनको शॉप वगैरह स्टार्ट करना है। हाँ, डेफिनेटली उन लोगों के लिए होता है, और जिसका बल्क में क्वांटिटी है उसके लिए होलसेल होता है। रिटेल और होलसेल हम लोग कभी मिक्स नहीं करते हैं, एज ए शॉपकीपर हम लोग ये कभी नहीं करेंगे। एक चीज़ भी याद रखना है, ये वाले पोलार पैरोट है, छोटे पैरोट जो फिश है उसे काफ़ी लोग कॉन्विक चिकलेट भी बोलते हैं, अच्छा रहने वाला है। बड़ी फिश के साथ भी रहता है, छोटी फिश के साथ भी रहता है, अपना बैलेंसिंग बना लेता है। छोटे है पर बॉम है, छोटे डोनी बोल लो उसको, टैंक में रहने वाला। और इसका भी ब्रीडिंग इजीली हो जाता है। हाँ, कॉन्विक का कोई भी हो इजी हो जाता है ब्रीडिंग। रेड स्पॉटेड शिवराम है, ग्रीन शिवराम है, उसके अंदर रोटकिल शिवराम है, ए वाले। तो शिवराम के अंदर, शिवराम के अंदर भी आपने बहुत सारी वेराइटीज मिल, हाँ, तो ये भी आपको यहाँ से मिलेंगे। प्लांटेशन का भी हम लोग एक बनाया टैंक है, आप देख सकते हो, इंडियन वुड के साथ सेटअप किया हुआ टैंक है ये, जो अंदर जो वुड डाला है वो पूरा इंडियन है। आप देख सकते हो कि एक जंगल की तरह पूरा लुक है इसके अंदर। तो खूबसूरत इंडियन टैंक हम लोगों ने बनाया। टैंक का जो ग्लास है वो भी रेगुलर है, इंडियन है। प्लांट भी आपको ईजीली लोटेक वाले प्लांट यूज़ किए हुए है। स्टिक जो वुड डाला है वो भी इंडियन है, नीचे सॉइल और सबस्ट्रेट है, वो थोड़ा सा इकोनॉमी से थोड़ा सा प्लस है। बाकी प्लांटेशन आप देखोगे इसके अंदर जो फिश है उसको लुक लाइक अ नेचर, वो नेचर के अंदर घूम रही है, जो पूरा एनवायरनमेंट उसमें आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ओवर क्वांटिटी भी नहीं किया है फिश को, स्पेस भी है, साइज इसका साइज कभी नहीं बढ़ेगा। अब इतना फुल साइज है, मैक्सिमम साइज फिश का आ गया है। ये कौन सी फिशेज है? ये टेट्रा वेराइटीज़ का फिशेज है, उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, पर ये बार्ब वेराइटी में आई पाई जाती है, ताकि वो थोड़ा सा नॉन अपना जो गप्पीज वगैरह आप अगर टैंक के हैं तो ये डाल नहीं सकोगे, थोड़ा सा एग्रेसिव में आता है। तो बार्ब का अगर कोई वेराइटी आपके टैंक के साथ है तो कंफर्टेबल है, मोली है वगैरह है तो आप ये डाल सकते हो। जिब्रा, पिंक जिब्रा, वो सब, हाँ, उसके साथ आराम से रहेगा। गप्पी के साथ नहीं डालना है, नियोन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा के साथ नहीं डालना है, रूमिनोज के साथ नहीं डालना है। और एक आपका एक डेनासोनी है, राइट? नहीं, इसके अंदर डेनासोनी नहीं है, गोल्डन एलिगेटर है ये, एक पीछे छुपा हुआ, हाँ, ये वाला। और ये जो बैठा है ऑस्ट्रेलियन रेनबो बोलते हैं इसको, वो साइनर है, ऑस्ट्रेलियन रेनबो है, एक गोल्डन वाला है, एलिगेटर है, गोल्डन एलिगेटर है। आप ये पीले कलर वाला है जो फिंगर के ऊपर है, हाँ, वो क्लीनिंग का प्रोसेस करता है, उसका भी वीडियो हम लोगों ने एड किया हुआ है। आप देख सकते हो कि इसका क्या कैसे काम करता है ये वाला, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आता है श्रिम्स। कुछ स्ट्रीम्स आपको यहाँ पे नोटिस करोगे तो वुड पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो दिखाई देगा। ये स्ट्रीम्स है, ये प्लांटेशन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, अलगी खाने का सबसे बेस्ट काम ये करते हैं। ब्रीडिंग भी फास्ट है, और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर ये मिले जाते हैं। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट, ये रेगुलर स्ट्रीम्प है कलर में मिलेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे एग्जोस्टिक श्रिम्प भी इसके अंदर आते हैं, तो ये सारे यहाँ पे आपको मिले जाएंगे। प्लांटेशन है तो ये आपको डालना ज़रूरी है आपके टैंक के लिए, जो एक साइकिल बनानी है प्रॉपर साइकिलिंग के लिए। श्रिम्प और स्नेल दोनों का काम अच्छा रहेगा। एक लॉबस्टर भी आता है और ये श्रिम्प, दोनों में क्या डिफरेंस? लॉबस्टर का साइज बड़ा रहता है, लॉबस्टर का फूड रहता है, ज़्यादातर डेड फिश या फ्रोजन श्रिम्प वगैरह खाते हैं,
और श्रिम का साइज इतना ही छोटा रहता है, और ये अलगी और प्लांट के ऊपर जो या रॉक के ऊपर जो अलगी होती है वो ज़्यादातर खाते हैं। और लॉबस्टर के लिए आपको अलग से फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको लाइव फिश या एज वेल एज उसका ड्राई फूड वो आपको खिलाना पड़ता है। ये दोनों बीच का डिफरेंट रहता है। और ये कि आपके पास हरदम वैरायटीज होती है गुरामी में, बहुत सारी गुरामी की वैरायटीज आपके पास रहती। इसको पॉकेट फ्रेंडली फिश बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि ये हर किसी को बाय करने के लिए सही रहता है। विदाउट कैरिंग फिश है, अगर आप पॉट में भी रखना चाह रहे हो या विदाउट ऑक्सीजन रखना चाह रहे हो तो ये फिश है। बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा फिश है, आपको ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। वेदर अप डाउन होगा तो थोड़ा सा बैलेंस अपने आप बना लेती है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसका ये सरफेस पे ऊपर से ऑक्सीजन ले सकती है मुंह से, बाकी सारी फिश पानी के अंदर का डिजोल्व किया हुआ ऑक्सीजन ही ले पाती है, ये बाहर का ऑक्सीजन भी ले सकती है। इसके लिए सबसे बिगिनर फिश के लिए सबसे टॉप रैंकिंग पे ये फिश का नाम है, गुरामी फिश बोलते हैं, ब्लू डॉट और येलो डॉट गुरामी। ओके, और आपके पास में बहुत सारी बीटास भी आती रहती है। बीटास के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती रहती है हमारे पास, पलकेट में रहता है, नीमो कैंडी रहता है, एलियन बीटा रहता है, वाइल्ड बीटा रहता है, तो और गैलेक्सी बीटा भी रहती है, हाफ मून फुल मून तो ऑल टाइम रहता ही है। तो बीटास ऑल टाइम आपको मिलेगी, कलर कॉम्बिनेशन मिलेगी। हाँ, एक चीज़ रहता है कि बीटा का ऑल टाइम ऑन बुकिंग रहता है, काफ़ी लोगों का एडवांस बुकिंग ही रहता है, तो कलर चॉइस आपको चाहिए तो आपको पहले ही बता देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत मेल है ये पलकेट का, ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है, सिंगल फिश रखना होता है आपको और कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहेगा नॉर्मल फिश की कंपेरिजन। एक्टिव ज़्यादा होता है ये जो फिश रहता है, पलकट वैरायटी का जो फिश रहता है वो एक्टिव ज़्यादा रहता है। ये सब अगर इनको कुछ अलग से कलर वैरायटीज चाहिए तो पहले एडवांस में बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे कलर वैरायटी आते हैं पर वो विद इन 2 या 3 डेज के अंदर सेल्ड आउट हो जाता है। फर्स्ट सेकेंड डे हमारा क्वारंटाइन में चला जाता है, थर्ड डे से पूरा सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जैसे ही सबको पता है कि आपके यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन ये बीटा के अंदर बहुत ज़्यादा ही आते हैं। बीटा के अंदर कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है, पूरा सेट फिश यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। और अगर किसी को इसमें भी पैर वगैरह चाहिए तो मिल जाती है? डेफिनेटली मिलती है, रेगुलर बिट्टास के अंदर भी मिलता है और पलकट और नीमो कैंडी में भी आपको पेयरिंग मिल जाएगा। अगर आपका स्पेस कम है, अगर आपका वाटर लिली पॉन्ड बनाया है उसके अंदर मॉस्किटो उसके बेबी जो लार्वा वगैरह कुछ क्रिएट हो जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए और ये जो मॉस्किटो प्रॉब्लम ना रहे उसके लिए अगर डालना है तो गप्पी फिश बेस्ट है, आप डाल सकते हो। रिप्रोड्यूस हो जाता है उसका, मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट बेबीज देती है, नॉर्मल फिश की तरह नहीं होता है। वो नॉर्मल फिश एग देती है, एग में से बच्चा फर्टाइल होकर बाहर निकलता है और ये गप्पी फिश है डायरेक्टली बेबीज देती है और उसका प्रोडक्शन भी फास्ट रहता है। तो अगर पॉन्ड अगर या वाटर लिली पॉन्ड वगैरह ओपन आपका कुछ भी है तो उसके अंदर आप ये गप्पी भी डाल सकते हो, और प्लांटेशन है तो डेफिनेटली छोटे टैंक के नैनो टैंक में गप्पी सबसे बेस्ट है, खूबसूरत है और काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसके अंदर आती रहती है। डम्बो सबसे फेमस गप्पीज़ में माना जाता है, डम्बो ईयर गप्पीज़। प्राइस अकॉर्डिंग टू ब्रीड रहता है तो एक चीज़ वो भी ध्यान रखना है। मतलब जैसे कि आपके पास में हर कोई भी एक आप फिशेस पकड़ लो उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ जो मिलने वाली है। देखो आपका एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि हमारा ये बाउल सेक्शन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बाउल का साइज शेप के वाइज डिफरेंट डिफरेंट है, जो लो बजट के अंदर रखना है स्टार्टिंग करना है तो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास हैंडमेड टैंक जो उसका पूरा सीरीज रहेगा ऑल टाइम के लिए। राइट, ये पूरा आपका सीरीज? हाँ, पूरा 1 फीट से लेके आपका अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से पूरा सीरीज यहाँ पे मिलेगा। ये 3D बैकग्राउंड वाला टैंक है, एक्स्ट्रा क्लियर बबल बॉटम टैंक है, रेगुलर 1 फीट टैंक है हमारा, ये 15 इंचीस टैंक है, 1.5 फीट का टैंक है, 2 फीट टैंक है, 2.5 फीट साइज़ का टैंक है। तो ये सारा हमारा हैंडमेड टैंक है, ये भी यहाँ पे आपको पूरा रेंज मिलेगा, 4 फीट तक मिल जाएगा। बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के केजीज है वो भी दिखाई देंगे। उसके बाद हमारा पूरा जो है इम्पोर्टेड टैंक का सीरीज़ है, 3 फीट 2 फीट 2.5 फीट के सारे साइज़ के डिफरेंट कलर शेपिंग के साथ मिलेगी आपको, उसमें भी ब्लैक रेड ब्लू वाइट सारे कलर यहाँ पे मिलेंगे।
डेकोरेट करने के लिए पूरे डिफरेंट डिफरेंट शोपीस यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ आपको फ़िश का भी मिल जा रहा है। तो एक ही प्लेस है यहाँ पे, बर्ड्स केज डॉग फिश पूरा पेट आपके लिए यहाँ पे एफोर एक्वेरियम के अंदर मिलता है। मतलब कम्प्लीटली पेट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। डेफिनेटली, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्राइस के साथ, अच्छी क्वालिटी में अगर चाहिए तो पूरा चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। उनसे लिए आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर आप अहमदाबाद में हो तो सबसे बेस्ट है आपको चॉइस करने को। काफ़ी सारी रेंज आ रही है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी ला रहे हैं कि एक यहाँ पे हम लोग आपको डेकोरेशन का भी चॉइस देने वाले हैं। एक हम लोग के साथ काउंटर सेट कर रहे हैं, उसके अंदर कस्टमर खुद आएगा, अपना टैंक खुद रखेगा, उसके बाद खुद से टैग करेगा कि हमें इस तरह का डेकोरेशन करना है, या इस तरह का प्लांटिंग टैंक करना है, हमें इस तरह रॉक सेट करना है। तो कस्टमर का जो खुद का आइडिया है वो भी हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। हमारा तो अफोर्ड रहेगा कि कस्टमर को बेस्ट प्रोवाइड किए, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे अहमदाबाद का नहीं पूरे गुजरात का फर्स्ट शॉप ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पूरा यहाँ पे बनने वाला है। ओके, तो जैसे आपके यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट फूड, मेडिसिन और दूसरी सारी भी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है, राइट? डेफिनेटली। तो उस सब के लिए अगर क्लाइंट खुद आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, और ड्राई आइटम्स में तो कुरियर वगैरह पॉसिबल है? डेफिनेटली, ड्राई आइटम पूरा कुरियर के साथ चला जाएगा। हम लोग फिश भी ऑनलाइन सेल करते हैं कस्टमर को, अगर अहमदाबाद में कहीं पे भी है तो आप वाटर थ्रू मंगवा सकते हो, विद इन वन आवर के अंदर आपको वहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप आउट ऑफ गुजरात हो तो फिश पॉसिबल है, टैंक में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो ग्लास का आइटम है, और ट्रांसपोर्ट में जाने वाली हर चीज़ पे वो कोई लोग ऐसा फोकस से डिलीवर नहीं करते। उठाया, पटकाया, ठोक दिया, टूट गया ग्लास का आइटम, ना तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फिर भी आपने कच्छ तक तो टैंक पहुँचाइए? काफ़ी सारी जगह पे हम लोगों ने पैकिंग में इतना मास्टरी कर लिया अभी तो, पर एक कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग कम हो रहे हैं, कुछ हमारा भी कम हो रहा है क्योंकि जो वर्कआउट है हम लोगों ने अच्छा सा हैवी टैंक बना के दे दिया है, उसके लिए इतना पैकिंग भी हैवी कर दिया तो उठाने वाले को अफोर्ड करना पड़ेगा। वो तो दो तीन बंदे को लाग दिया और एक बंदे ने कहीं से भी छोड़ दिया तो ग्लास टूटने का चांस है। बेस्ट से बेस्ट कुकिंग हम लोग करके देते हैं, अगर पॉसिबल है तो जितना हमसे बनता है वो हम करते हैं। श्योर भावेन भाई कि आपने बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर आज हमको दिया हुआ है और हमारे व्यूवर्स को भी, तो आशा करते हैं कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सब हमको सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, और हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर कर दे सबसे। मुझे आज कार्तिक भाई आपकी एक बात से मुझे हमारे माननीय मोदी साहब का एक डायलॉग याद आ गया कि गुजरात की जनता है मुफ्त में कुछ करने वाली है, मुफ्त में लेने वाली चीज़ नहीं है। ये जिसने भी ये वीडियो देखा है 100% लाइक करेगी और सब्सक्राइब करेगी, ये चीज़ हमारे गुजरात की जनता के लिए। थैंक यू सो मच इस तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।